हेलो एवरी वन दिस इज़ सिमरन सोंधी एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फैशन फोरकास्टिंग एंड मर्चेंडाइजिंग फैशन फोरकास्टिंग एक इंटरनेशनल करियर है जिसमें आने वाले जो ट्रेंड्स हैं उस पर उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है ये पूर्वानुमान हर चीज़ के बारे में होता है जैसे कि कलर कपड़ा टेक्सचर क्या प्रिंट है मटेरियल एसेसरीज फुटवेयर यानी कि हर तरीके के स्टाइल के लिए ये जो इंडस्ट्री है जो फैशन इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत यूजुअली देखा जाए तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टिकी हुई है इसी से आपको नए लोग्स नए कलर या फिर किसी सेलिब्रिटी ने क्या पहना किसी डिज़ाइनर ने क्या कलेक्शन लॉन्च किया ये सब इसके थ्रू हमें पता चल जाता इंटरनेट के थ्रू हमें पता चलता है तो इसीलिए फ़ैशन फोरकास्टर्स भी अपना जो फोरकास्ट है वो इंटरनेट पे डालते हैं और ये हेल्प करते हैं रिटेल जो बिज़नेस वाला है बिजनेसमैन है या फिर डिज़ाइनर्स हैं वो कैसे अपने गारमेंट्स या प्रोडक्ट सेल करें इसमें फ़ैशन फोरकास्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बिल्कुल बेसिक स्टेप्स होते हैं जैसे कि जो आपका कस्टमर है टारगेट कस्टमर उनका क्या प्रोफाइल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करना और क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके जो भी पूर्वानुमान लगा करके उस कंपनी के लिए क्या अप्रोप्रिएट है जो भी प्रोडक्ट है उसको और उनके टारगेट कस्टमर्स को अचीव करना अब फोरकास्टिंग के लिए कलर और स्टाइल सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पूर्वानुमान लगानी होती हैं और ये कई सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं या कई मैगजीन्स हैं जिससे आपको फोरकास्ट का पता चलता है नेक्स्ट है मर्चेंटाइज़र मर्चेंटाइजर क्या होता है मर्चेंटाइज़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका रोल होता है प्रोडक्ट शुरू होने से मतलब उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स या जो भी रॉ मटेरियल है वो ख़रीदने से लेकर के वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक हमारे पहुंच जाए जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर और बायर का गैप है दोनों के बीच का ये मर्चेंटाइज़र फिल करता है इस गैप को इसके मर्चेंटाइजर के क्या क्या काम होते हैं जैसे कि गारमेंट के ऑर्डर्स लेना सैम्पल बनाना फिर उसकी प्राइस नेगोसिएशन करना फिर प्राइस कंफर्म करके ऑर्डर कंफर्म करवाना फैब्रिक फिर उसकी ट्रिमिंग्स उसकी एसेसरीज़ वग़ैरह की बुकिंग करना और फिर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल भी करना मर्चेंटाइजर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्राइस ऑफर मतलब कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करवाना और उसके बाद क्लाइंट को उसकी प्राइस ऑफर करना उसके बाद प्राइस कंफर्म करवाने के बाद नेगोशिएशंस के बाद परफॉर्मा इन्स परफॉर्मा इन्वॉइस एक तरीके का ऑन पेपर ऑर्डर होता है जो हमें ऑन पेपर पे मिल जाता है किसी भी बल्क ऑर्डर के लिए वो परफॉर्मेंस वॉइस कहलाता है उसके अंदर सारी डिटेल होती है कि प्रोडक्ट ये होगा पिक्चर होगी उसकी इसका कलर ये है उसका साइज़ ये इतने पीस और क्या प्राइस है इस तरीके के एक डिटेल्ड ऑर्डर होता है उसके बाद विद कम से कम समय में जो भी सारा पेपर वर्क है वो सब कंप्लीट करना उसके बाद रेगुलर बेसिस पे हर किसी का सप्लायर से फॉलोअप लेना या आ, बायर के साथ फॉलोअप करना ये भी उसका काम है फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर लैब रिपोर्ट चाहिए क्वालिटी की रिपोर्ट चाहिए या फिर फैब्रिक कलर करवाना है या फिर कलर नॉट ब्लीडिंग की रिपोर्ट चाहिए वो सब रिपोर्ट भी मर्चेंडाइज़र को अवेलेबल करानी होती है उसके बाद जो सैंपलिंग बनती है सैम्पलिंग प्रोसेस होती है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना यानी देखना और फिर क्लाइंट से अप्रूवल लेना टाइम टू टाइम आपको क्लाइंट या बायर से मीटिंग करना साइज़ सही अप्रूव करवा करके उसके सेट सबमिट करना और फिर इन्वेंट्री की रिपोर्ट यानी कि स्टोर जो इन हाउस किसी जब भी भी हम देखते हैं जहाँ बल्क में गारमेंट बनते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहाँ पे एक स्टोर होता है जहाँ कुछ फैब्रिक्स होते हैं कुछ थ्रेड्स uh, होते हैं या जो भी मटेरियल जिपर्स बटन्स कोई भी लेसेस वगैरह उसकी स्टोर की प्रॉपर रिपोर्ट होना कि हमारे पास किस समय पर क्या है नेक्स्ट है जो आपकी फैक्ट्री में ही है क्वालिटी टीम उसको जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है आपके फैक्ट्री में बायर्स के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो उस टीम को पता होना चाहिए और क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ टाइम टू टाइमली चेक करते रहना बायर की टीम का भी अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना कभी कर, जब आप कोई भी ऑर्डर अगर मेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ज़रूरी नहीं है आपको लोकली भेजना हो, उसको आपको नेशनली भी बाहर भेजना हो सकता है इंटरनेशनली भी बाहर भेजना होता है तो उसके लिए आपको शिपिंग स्पेस बुक करना होता है अगर आपको शिप के थ्रू वो भेजना है तो वो सब बुक करना हर वो चीज़ का ध्यान रखना कि जो शिपमेंट है वो हमारा स्मूदली आराम से बिना किसी दिक्कतों से बाहर तक सही समय पर सही कंडीशन पर और सही क्वालिटी पर पहुँच जाए अब अगर इन केस डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाई तो फिर रिक्वायर्ड जो एच हैं उनके साथ डिसीजन लेके फाइनलाइज करना जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं यानी कि बायर्स हैं या उनके हायर कुछ हैं तो उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना और सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना और फिर अगर इनकेस पेमेंट आपकी डिले हो जाती है तो उसका फॉलोअप लेना थैंक्स अ लॉट एवरी वन फॉर लिसनिंग